हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं ज्योग्राफी का पार्ट टू लेकर के आया हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होता है कि बिहार एसआई की तैयारी में ज्योग्राफी से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए मैं सभी टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ कि कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस किस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पार्ट टू है। तो मैंने पहले पार्ट में विविध क्षेत्र जो मिसलिनियस क्वेश्चन सब है ज्योग्राफी का, वो कवर किया था। तो आज मैं ये टॉपिक वाइज डील करूँगा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी में आपको खगोल विज्ञान, जो एस्ट्रोनॉमी होता है, जो तारा ग्रह वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो एस्ट्रोनॉमी आप लोगों को पढ़ लेना है पूरा। उसके बाद मैं ये कॉपी में लिख लिया हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद आपका आता है, एस्ट्रोनॉमी में आपका सभी ग्रह उपग्रह, उसके बाद सूर्य चंद्रमा, उसका क्षुद्र ग्रह वगैरह सब चीज़ आती है। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी के बाद आपका आता है स्थलाकृति विज्ञान, जिसको कहते हैं ट्रोपोग्राफी। इसमें मृदा, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण और डेल्टा वगैरह भी आती है इसमें। उसके बाद स्थलाकृति विज्ञान के बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्थलाकृति में ही आपका आता है लेगुन झील, उसके बाद लुत्री दंतुरी तट, उसके बाद ये स्थलाकृति में ही आता है आपका सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति, जिसमें आता है स्थल आता है लेगुन झील वगैरह आता है। उसके बाद भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो जल भूमि के अंदर होता है, तो उसके द्वारा जो भूमि के अंदर जो स्थलाकृति बनती है, तो वो सब भी आता है। जैसे अंधी घाटी आता है, डेलाइट आता है, स्टेलाइट आता है, उसके बाद कंदरा स्तंभ आता है। तो ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद आता है पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो स्थलाकृति पवन के द्वारा निर्मित होती है, तो ये अधिकांश आपको मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलती है। स्तूप होता है, उसके बाद लोयस होता है, भूस्तंभ वगैरह होता है, तो ये मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद स्थलाकृति में ही आता है आपका बर्फ़ के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जो स्थलाकृति बर्फ़ के द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद स्थलाकृति में आपको स्थलाकृति विज्ञान टोटल 5 तरह से देख सकते हैं, जो स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित होती है वो, उसके बाद कुछ स्थलाकृति समुद्र के द्वारा निर्मित होती है, और कुछ स्थलाकृति आपका भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती है, कुछ स्थलाकृति पवन के द्वारा निर्मित होती है, और कुछ बर्फ के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। तो स्थलाकृति जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है भूगर्भ विज्ञान, मतलब पृथ्वी का ये किस तरह से विकास वगैरह हुआ। पहले था रेड हॉट था, उसके बाद पेंजिया बना, उसके बाद अलग अलग तरह के आइलैंड का निर्माण हुआ, तो उसकी तरह के भूगर्भ विज्ञान आप लोगों को पढ़ लेना है पूरा। उसके बाद इसी में आता है भूकंप आता है, सुनामी आता है, ज्वालामुखी वगैरह आता है, उसके बाद चट्टान है, उसके बाद रूपांतरित कायांतरित चट्टान वगैरह है, उसके बाद कोयला है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का जो इम्पोर्टेंट है, वो है वायुमंडल आता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल वगैरह है, उसके बाद वायुमंडलीय दाब वगैरह है। तो ये मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को जो भी बिहार एसआई के तैयारी कर रहे हैं, जो भी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन सब टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद आता है पवन आता है आपका, पवन के में आपका व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है, पुड़वा पवन है, समीर है, उसके बाद पवन में चक्रवात है, उसके बाद ज्वार भाटा भी आता है, जिसको हम इंग्लिश में टाइट कहते हैं। उसके बाद जलमंडल वगैरह आता है, पृथ्वी पे जलमंडल के द्वारा निर्मित क्षेत्र वगैरह है, महाद्वीप है, मैदान, कटक पहाड़ी वगैरह है, जितने भी क्षेत्र है वो
जलमंडल के द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद जलप्रपात है, उसके बाद झील है, नहर है, उसके बाद जल संधि वगैरह है। कौन भारत ने किस देश के साथ कौन से जल संधि किया, पाक जल संधि, उसके बाद कुक संधि, उसके बाद सुनामी, उसके बाद जलधारा वगैरह है, हिंद महासागर की धारा वगैरह, उसके बाद अटलांटिक की जलधारा, प्रशांत महासागर की धारा, उसके बाद मृदा आता है। मृदा में ही आता है आपका काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोट मिट्टी, तो ये सब आपका मृदा के अंतर्गत आता है। तो मैंने ये ज्योग्राफी से जितने भी टॉपिक रिलेटेड है तो मैं ये टॉपिक बता दिया है, तो ये जितने भी टॉपिक बताए ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ये पढ़ ले। उसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको कितनी पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है। उसके बाद तीन वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। जो ज्योग्राफी का है वो पार्ट थ्री तक आएगा, तो मैंने पार्ट वन पहले ही कंप्लीट कर दिया है, जो ये आज पार्ट टू है। और पार्ट थ्री में इंडियन ज्योग्राफी में जितना पढ़ना है तो उसके बारे में चर्चा कर दूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन वगैरह हो तो कमेंट करें, तो मैं सब टॉपिक वाइज का अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।